सितंबर, सॉरी अप्रैल 2023 पेपर, एमसीक्यू स्टार्ट करो, सॉल्व करना। डिस्कस नहीं करना है। एमसीक्यू वाला क्या आ रहा है? बी एन इकोनॉमी, इन इकोनॉमिक्स द प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी, तुम लोग बोल रहे हो डी, एग्जिस्ट बिकॉज देर आर इनसफिशियंट रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स, ठीक है, मीन्स दैट देर आर शॉर्टेजेस ऑफ सम गुड्स ड्यू टू डिमांड बीइंग ग्रेटर, ये क्यों नहीं बोल रहे हो? प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी ऑफ लैंड हाँ तो इतनी दूर डाउट था, बट प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी जो हमने लेवल पर आना, यही प्रॉपर डेफिनेशन है। वेरी गुड, सबसे पहले तो ये डेफिनेशन है, व्हाट आर वी डूइंग श्री गिनोडिया, वी आर डूइंग अप्रैल 2023 पेपर, कैन बी, तो ये भी सिमिलर लाइंस पे है, बट इसमें क्या दिक्कत है पता है? ऑफ सम गुड्स बोल दिया, तो ये वियर्ड हो गया, गुड्स नहीं, रिसोर्सेस, कीवर्ड इज रिसोर्सेस, ठीक है। कैन बी एलिमिनेटेड ऑफ प्राइस आर अलाउड टू राइज, ये वाला नहीं होगा, एग्जिस्ट ओनली इन इकोनॉमीज एट फुल एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा। सेकेंड वाला क्या सीधा होगा? तुम लोग क्या बोलते हो? चैट बॉक्स में लिखो क्वेश्चन टू। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फॉल इन सीओपी, सीओपी फॉल हो गया तो क्या हो गया? एस का कर्व, राइट वर्ड्स, तुमको लाउड थिंकिंग नहीं करना है। एंड अ फॉल इन कंज्यूमर्स इनकम, तो डी अंदर, ये मैंने दिखाने के लिए बनाया, नहीं क्यों इधर उधर, प्राइस तो गिरेगा ही गिरेगा। हाँ देखो, अच्छा ये तो रहने दो भाई, इतना मेहनत से बनाया है। देखो तुम्हारा, तुम बोल रहे सप्लाई गिरा, डिमांड और सॉरी क्वांटिटी ऑलवेज वर्क्स इन द सेम डायरेक्शन, और डिमांड नहीं, क्या बोल रहे भाई, बढ़ गया ये डिमांड, ये हमेशा सेम डायरेक्शन में होता है। अब सप्लाई बढ़ना आइडियली मतलब प्राइस, प्राइस सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, मूवमेंट नहीं है, कोई चीज का सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया मतलब प्राइस विल फॉल, प्राइस विल फॉल, डिमांड कम होने का क्या मतलब है? प्राइस विल अगेन फॉल, तो प्राइस फॉल फॉल आया, ये कॉमन है, तो प्राइस फॉल मतलब कि कहाँ लिखा है, प्राइस फॉल वाला आ गया है ना, और क्वांटिटी बता नहीं सकते, बट तुम ये नहीं समझा, सप्लाई ज्यादा हो गया कोई चीज का बहुत ज्यादा, तो प्राइस तो गिरेगा, कॉस्ट पुश डिमांड पुल, डिमांड अपनी तरफ टानता है, प्राइस
प्राइस को. नेक्स्ट ये दोनों करूं? आई थिंक तुम लोग दोनों कर सकते हो. चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू चैट बॉक्स. मेरे को नहीं पता ऐसे, तुम लोग गैस, बाकी इन लोग को आंसर करने दो. तुम लोग अपने मन में सोचो, मैं पूछूंगी तब बोलो. हाँ जाते हैं आवाज तुम लोग का. छोटा रूम. जानवी बोल रही है बी. इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस लॉन्ग रन एटीसी फॉल्स. ये होता है ये वाला पार्ट, आईआरएस इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. ये नहीं होगा. शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं. ठीक है ना, ग्राफ से भी देख लो, ये एल आर एसी है. अरे मैंने शेयर नहीं किया है ना स्क्रीन, इतने देर से शेयर नहीं था. यस मैम. तो क्यों नहीं बोला तुम लोगों ने? अरे क्या बात है कनिष, क्यों नहीं बोला बताओ? तब भी बेचारा श्रेय पूछा कि मैम व्हाट आर वी डूइंग. कोई क्यों नहीं बोला मैंने शेयर नहीं किया स्क्रीन? तुम लोग कैसे कर रहे हो फिर? इतना ध्यान से सुन रहे हो तुम लोग मेरा बात? पेपर डाउनलोड है तो मैं उनसे देख रहा था. अरे फिर भी इतना मैंने डायग्राम बनाया, देखो इतना सुंदर सुंदर कलरफुल डायग्राम. अरे तो गलत हो गया यार, फिर से नहीं बना सकते. बोलना चाहिए था यार, कोई बात नहीं. चलो अब जो रिकॉर्डिंग करेगा वो उसको वो समझे. फोर्थ बताओ. फोर का डी बोल दिए जानवी. वेरी गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नेसेसरीली अप्लाई टू अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म दैट ऑपरेट्स इन बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट. ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब लॉन्ग रन में ओनली नॉर्मल प्रॉफिट है. डज नॉट नेसेसरीली, तो ये वाला हो सकता है शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं कमाए पर लॉन्ग रन में कमाए गई. तो डज नॉट नेसेसरीली हुआ ना. फर्म विल इक्वेट इट्स मार्जिनल कॉस्ट ए आर प्राइस. तो ये दोनों केसेस में है, तो ये भी होगा नेसेसरीली विल अप्लाई. फर्म विल इक्वेट इट्स मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू ये सब उसका सेम होता है. ठीक है, तो ये वाला दोनों नेसेसरीली अप्लाई होगा. द फर्म विल हैव एन एवरेज रेवेन्यू दैट एक्सीड्स ए वी सी. ये भी ऑब्वियसली, नहीं तो शट डाउन हो जाएगा उसका. क्लियर? तो नेसेसरीली तीनों अप्लाई करेगा लॉन्ग रन शॉर्ट रन में, बट ये हो सकता है शॉर्ट रन में अप्लाई नहीं करे. तो क्वेश्चन ठीक से रीड करना अपने को. एक सेकेंड रुको, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. करो
यू पहला वाला श्वेता बोल रही है सी होगा। द प्रिजनर्स डिलेमा अप्लाइड टू अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग टू ओलिगोपोली इलस्ट्रेट्स दैट ईच फर्म विल नॉट टेक अकाउंट ऑफ इट्स राइवल्स रिएक्शंस व्हेन मेकिंग इट्स प्राइसिंग डिसीजन। एक सेकेंड। इलस्ट्रेट्स दैट ईच फर्म विल नॉट टेक अकाउंट ऑफ द राइवल्स रिएक्शन। बट राइवल का रिएक्शन तो अकाउंट लेता ही है। रिएक्शन नॉट प्राइस, रिएक्शन। अगर मैं 10 रुपया सेट करूंगी तो सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा, ये तो देखते ही हैं, ये तो देखते ही हैं, ठीक है। तो विल नॉट लिख दिया तो ये गलत। तभी तो याद करो हमने ये बनाया था रिएक्शन फंक्शंस आर ए और ऐसा कुछ आर बी बनाए। हाँ तो दो आर ए और आर बी बनाए थे याद है रिएक्शन फंक्शन, क्योंकि आप सामने वाले का रिएक्शन देख के फिर आप अपना चेंज करते हो प्राइस। द प्राइस सेट By one firm will not influence, ये भी गलत है। It will definitely influence, पहले पार्ट से related है। In avoiding the worst possible outcome, each of the firm will fail to reach, obviously, यही तो सबसे बड़ा problem है business dilemma का। दोनों मिल नहीं रहे, मिलेंगे तो best decision लेंगे, but मिल नहीं रहे तो इसीलिए best possible outcome नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये तो है ही, but let's read the another one as well, in avoiding the worst possible outcome, each of the firms succeed. ये नहीं हो सकता कि they will not reach the best outcome. Next. एक सेकेंड रुको. ये तीनों करो 6, 7, 8. बात मत करो। यूएस हम यूएस में ज्यादा चार्ज कर लिया, उसमें सिर्फ प्रेगनेंसी का फायदा हुआ है, कंज्यूमर का फायदा नहीं हुआ है। अगर हम अफ्रीका में सेम यूएस जितना राइट चार्ज करेगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं, ठीक है।
किसी का फायदा किसी का लॉस हो सकता है। अगर हम कम कर रहे हैं तो कंज्यूमर के लिए फायदा ही होगा, प्रोड्यूसर को फायदा होगा, फायदा तो है प्रोड्यूसर को भी फायदा, हम प्रॉफिट में मेरा ध्यान नहीं है। अगर हम उससे 120 चार्ज करें तो क्रेडिट है
आप ये स्क्रोल स्क्रोल तो कर ही सकता हूँ, हमेशा ही होता है। वाह वाह वाह, देखो इन लोग 11 तक पहुंच गए, वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, वेरी गुड। अच्छा तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, 26 एमसीक्यू को सॉल्व करने में तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग कितना टाइम लेना चाहिए? गलत गलत, योर अपर बाउंड शुड बी 30, दैट इज द अपर। तुम लोग को टारगेट रखना है 20-25 मिनट्स का। तुम लोग क्योंकि तुम लोग एक एमसीक्यू कितने मार्क्स के है? 1.5। देर आर सम एमसीक्यूज विच आर एक्सट्रीमली इजी, जैसे तुम्हारा वो ये सप्लाई वाला आया था, ये सब आया था, ये सब इजी है। ये सब तुम्हारा 1 मिनट से भी कम में होना चाहिए, मैक्सिमम 1 मिनट समझो, मैक्सिमम बता रही हूँ मैं, ठीक है? फॉर इजी वंस लाइक 1 मिनट से भी कम लगना चाहिए, आधा मिनट लगेगा, करेक्ट? तो 20 मिनट्स का टारगेट लगाओगे तब जाके कहीं 25-30 पे, और कहीं पे डाउट है ये मेरे से नहीं हो रहा तो तुम लोग सी लिख दो और आगे बढ़ जाओ। और यहाँ एक पेन पेपर रखना है, 7 लिख दिया, और यहाँ सी, एटलीस्ट सी लिखने से क्या होगा उससे बताना कि 40 तुम लोग का 25% चांस है कि वो सही होगा, है ना? ए बी सी डी है तो 25% चांस है कि वो सही होगा। इसमें कुछ बुरा बात नहीं है, हो सकता है सही हो जाए, ब्लैंक मत छोड़ दो। एमसीक्यू ब्लैंक छोड़ने का मतलब बेवकूफ हम लोग से बड़ा कोई नहीं है। 0% हो गया सही होने का चांस, और ये 25% हो जाएगा एटलीस्ट एक तुम लोग आंसर लिख दोगे तो। लिख दिया, अगर नहीं रिविजिट कर पाए क्वेश्चन 7 को, इट्स फाइन, एटलीस्ट यू हैव 25% चांस की। कुछ लोग होते हैं ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ते हैं, उनसे भी इसको कोई नहीं है दुनिया में, वो रिविजिट कर ही नहीं पाए तो क्या होगा, गया, है ना? तो ये सब छोटा मोटा बेसिक चीज है जो आप लोग को पेपर सॉल्विंग से ही आएगा। ये पहला वाला क्या होगा, 7 वाला क्या होगा? 7 कौन लिखा है भाई चैट बॉक्स में? 7 का डी लिखिए, कोई लोग सी लिखा है, ठीक है देखते हैं। ये मेरे को पता ही था ना, तुम लोग को टैक्स में दिक्कत होता ही है, क्या होगा बोलो, तुम लोग क्या बोल रहे हैं? डिमांड फॉर गुड एग्स हैज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ -1 यूनिट इलास्टिक है, टैक्स ऑन गुड एग्स इज 10 पर यूनिट। इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रिड्यूस द टैक्स टू 5, दिस वुड शिफ्ट द सप्लाई कर्व। ऑब्वियसली टैक्स से सप्लाई कर्व भी शिफ्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डिमांड है, ये मेरा सप्लाई है, 10 पर यूनिट लगाओगे तो ये पूरा पैरेलली शिफ्ट होगा 10 से, 10 से मैं बोल रही हूँ। फिर उसके अबे ये तुम्हारा 10 है, एस प्लस 10, और ये वाला हो जाएगा एस प्लस 5, ठीक है? तो दिस वुड शिफ्ट, ठीक है नाउ। अब ये जो गैप है ये 5 का गैप है, या फिर समझो ये भूल जाओ नए वाला,
ये 5 का गैप है, बट क्या प्राइस जो रिड्यूस हो रहा है वो 5 से रिड्यूस होगा? नहीं, क्योंकि दोनों पे इम्पैक्ट आता है, सप्लायर पे और सेल इस पे. और ये क्या बोला, यूनिट इलास्टिक बोला है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग दोनों पे इम्पैक्ट आएगा, है ना. सो इट विल गो डाउन, बट क्या लेस देन 5 की मोर देन 5 या एग्जैक्टली 5? क्या होगा, क्या बोल रहे हैं इन लोग, क्या बोल रहे हैं? जानवी ने बोला 7D. 7D कैसे? डिमांड कर्व एक्चुअली ऐसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोल है. तो एक बात बताओ, अगर सप्लाई 5 से गिर रहा है, मतलब भर रहा है एक्चुअली, इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रिड्यूस द टैक्स ऑन गुड टू 5 पर यूनिट, दिस कुड शिफ्ट द सप्लाई कर्व ऑफ गुड एक्स डाउन. अब सप्लाई कर्व जो शिफ्ट हो रहा है वो तो एग्जैक्टली 5 से शिफ्ट हो रहा है ना, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया. ये गैप मैंने कितना दिखाया, 5 का दिखाया. सप्लाई कर्व विल शिफ्ट एग्जैक्टली बाय 5, तो वो पहला दोनों पॉइंट कट, एंड द डिक्रीज इन प्राइस विल बी लेस देन 5, इट विल नेवर बी exactly 5 because it's downward sloping. ये clear number 6? अच्छा और discuss नहीं किया क्या मैंने? ठीक है, बस 7 clear है all of you? कि 7 का D क्यों है, C नहीं है, शे गिनोड़ा? The welfare consequences of TDPD are to the benefit of इसमें एक्चुअली दो आंसर्स करेक्ट दे रखा है इन्होंने. हाँ, तो इन्होंने दोनों आंसर्स करेक्ट दे रखा है. बिकॉज प्रोड्यूसर्स ऑफ द गुड एट द एक्सपेंस ऑफ कंज्यूमर्स होता ही है. एक जगह वो कम चार्ज कर रहे, एक जगह ज्यादा चार्ज कर रहे, तो और दोनों का ही सर वो है बेनिफिट. ठीक है, तो इसमें बी और सी अगर आप दोनों टिक करते दोनों आप सही होते. ये तो होगा ही नहीं क्योंकि एक जन को तो बेनिफिट है ही, और ये तो कभी नहीं होगा, प्रोड्यूसर का तो एक्सपेंस है ही नहीं. करेक्ट, वो डी बोलो, सॉरी 8 बोलो. 8 का सी आ रहा है सबका. वेरी गुड. इकोनॉमी मूव्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग 15 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स टू 6 यूनिट्स ऑफ गुड वाई. अच्छा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया. इसका आप बना रहे हो 15, इसका आप बना रहे हो 6. ये पॉइंट पे हो टू इंस्टेड प्रोड्यूसिंग 16 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ वाई, एंड देयर हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ गुड वाई इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 16th यूनिट ऑफ एक्स. मतलब एक और बढ़ाने के लिए कितना सैक्रिफाइस किया हमने. तुम लोग क्या बोल रहे हो, सी बोला था तुम लोगों ने आंसर? तुम्हारा एक्सप्रेशन मेरे को दिखेगा क्या? 8 का सी. ठीक है, ओके ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट 9 बोलो. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एनुअल डिमांड कर्व. थोड़ा इंक्रीज किया जाए टेम्परेचर. एनुअल इंक्रीज, एनुअल डिमांड कर्व. क्वांटिटी कंज्यूमर्स वुड लाइक टू बाय एनुअली. क्वांटिटी, एक सेकेंड, मैं यहां से क्या छुपा रही हूँ. डिमांड कर्व का डेफिनेशन क्या था? क्वांटिटी यू आर विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस इन अ गिवन टाइम पीरियड. चार चीज, विलिंगनेस होना चाहिए, अबिलिटी होना चाहिए, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम. तो ये सब चीज जहां आ जाए, तो पहले वाले में वो चीज मिसिंग है. क्वांटिटी कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल. विलिंग एंड एबल, क्या चार चीज आते हैं? विलिंगनेस, अबिलिटी, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम पीरियड. पांच चीज इनफैक्ट. टू बाय एट ईच लेवल ऑफ इनकम ओवर द एट ईच लेवल ऑफ इनकम थोड़ी होता है. क्या होगा और क्या बचा फिर? ये देखो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्वांटिटी, विलिंगनेस, अबिलिटी है इसमें. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्राइस.
ना ना ना, इसमें नेक्स्ट पीरियड वेरी गुड, प्राइस का डिफरेंस है इसमें, एट ईच प्राइस मेंशन्ड है और इसमें नहीं है, तो प्राइस वाला चीज ऑल्सो इसमें एक चीज बोला है, अगर हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जाए, ओवर नेक्स्ट ईयर बोला और बाय एनुअली बोला, हम लोग को एनुअली चाहिए है ना, चलो बट हाँ नहीं हाँ सी होगा, सी होगा बट क्यों होगा, मोस्टली रीजन पांच चीज, क्वांटिटी, प्राइस, अबिलिटी, विलिंगनेस और टाइम पीरियड, पांच चीज। क्वेश्चन 10 करूं, आई थिंक 10-11 तुम लोग दोनों ही कर सकते हैं। टेन का क्या होगा, टेन का इफ अ मैक्सिमम प्राइस ऑफ गुड ए, गुड एक्स इज फिक्स्ड अबव द मार्केट इक्विलिब्रियम, अबव हो गया मतलब क्या ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, देयर विल बी इक्विलिब्रियम के ऊपर मैक्सिमम बोल रहे हैं, क्या वर्ड यूज किया है कि भाई हाँ ये कैच है, अगेन ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है IFOA का, बहुत एक्सट्रीमली कॉमन, बोला ये आपका मैक्सिमम है मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो इसके नीचे तो जा ही सकते हैं, तो अपने इक्विलिब्रियम पे रह ही सकते हैं, सो देयर विल बी नो टेंडेंसी फॉर द मार्केट टू, फॉर द मार्केट प्राइस ऑफ गुड एक्स टू चेंज, एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई, अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस, तो अपवर्ड प्रेशर तो होगा ही नहीं, एक्सेस डिमांड सप्लाई होगा ही नहीं क्योंकि कुछ भी नहीं होगा, नो टेंडेंसी टू मूव 10A, क्लियर, क्यों हुआ पता है, मैक्सिमम बोल दिया ना वर्ड, इसीलिए इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसके नीचे तो रह ही सकते, मिनिमम बोला होता तो फिर तो एक्सेस सप्लाई आ जाता, इलेवन का बोलो, तुम लोग कोई रिविजन नोट लाया है CB2 का अभी, कैन एनीवन टेल मी रिविजन नोट में जो तुम लोग को मिला है कहां तक है, क्वेश्चंस कौन से टर्म तक है, हट बहुत पुराना है फिर तो तुम्हारा, या तो 2021 हो गए 2019 हो गए आई गेस, अप्रैल 2020 तक के क्वेश्चन से उसका और ही अलग है, ठीक है तो करेंगे हम लोग पास का अटलीस्ट 4-5 पेपर करेंगे क्लास में डिस्कस, क्या होगा 11 फिनिश स्वच्छता प्रेरणा सब लोग टाइप करो चैट बॉक्स में, फॉर्म्स शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट 250 है, टीसी टू मतलब पता नहीं तुम लोग को ये हैबिट में है कि नहीं बट आई राइट मेरे को नहीं होता है लिखे बिना, तो तुम लोग को भी एक रफ पेपर रखना चाहिए हाथ में क्योंकि ये सब का वर्किंग सिखाने का जरूरत नहीं है, तो फटफट फटफट मेन 10 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 100, ठीक है, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द 10th यूनिट इज 27, ये आपका MC हो गया, एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द 11th यूनिट, ये सेम क्वेश्चन है पास पेपर में, सेम एग्जैक्ट सेम विद नंबर्स चेंज्ड, एग्जैक्ट सेम, अगर किसी ने पास पेपर अभी तक करना स्टार्ट किया है कि नहीं, वो आता है ये भाई, तुम लोग सोचो ना 26 MCQs है, कितना यूनिक बना लेंगे, कितना यूनिक, लास्ट टाइम मेरे 2-3 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिला MCQ में, 2-3 से ज्यादा ही मिला होगा, उन्होंने कम्युनिकेट किया फुल मार्क्स इन MCQ, विच इज वेरी इजी टू गेट 39 out of 39, आई एम वेरी श्योर IAI वाले अटेम्प्ट में मेरा जिसमें रैंक आया था उसमें मेरे सारे MCQs करेक्ट थे, रट IAI मेरे टाइम पे नहीं निकालता था, मार्क्स नहीं निकालता था पहले, चलो बोलो ए बोल रहा, इसमें देखो इसमें बेस्ट ऑप्शन है एलिमिनेशन मेथड से स्टार्ट करना, तो एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ द 11th यूनिट इज ग्रेटर देन द एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ 10th यूनिट, 23 is the addition in the variable cost. अभी आपका 100 है variable cost, total variable cost. Average total cost अपना of 11th unit. पहले वाले का average total cost कितना आ रहा है? 250 by 10, 25 आ रहे हैं,
और इसका अपने कैसे निकाल सकते हैं, 100 में 23 और एडिशन कर दो ना, तो 273 हो गया, 273/11 22 पॉइंट समथिंग, 24 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं, तो कम हो रहा है। डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे कि अगर एमसी कम है अगली यूनिट का तो एवरेज कॉस्ट अपनी आप ही कम होगी। हाँ 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 हाँ, एमसी कम हो गया तो ऑब्वियसली कम हो गई, बट एक बार इट्स ऑलवेज टू कैलकुलेट स्टिल, ठीक है। तो ये नहीं है एवरेज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर 11th यूनिट, नहीं ये भी गलत। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इस केस में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 150, तो चेंज नहीं होगा, तो ये गलत है, 150 है फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉर 11th यूनिट इज ग्रेटर, क्या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉर 11th यूनिट 150/11 कितना होता है, 150/11 कितना होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज फिक्स, हाँ 150/11 13.64 समझ में आया कैसे आ रहे हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट हमने कैसे निकाला, 150 या आपको 250 दिया हुआ है टोटल कॉस्ट, 100 आपको दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 150, 150/11 गिव्स यू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द 11th यूनिट। उसके बाद द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 11th यूनिट इज कितना आ रहा है, कहां क्या दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, तो गलत हो गया ये भी, तो ये है, बट एक बार रीड करो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द 11th यूनिट इज लेस देन द फर्स्ट वाले का उल्टा, ना मार खाएगा फर्स्ट वाले का उल्टा, हड़बड़ क्यों कर रहे हैं क्लास में आज, कहाँ जाने हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द 11th यूनिट इज लेस देन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द, मार्जिनल कॉस्ट 11th यूनिट का कितना दिया हुआ है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है, 100/123/11 तो लेस देन आया ना, ये करेक्ट है, ठीक है। एग्जाम में मत करना, पहला 3 कैलकुलेट कर लिया तो 4th मत करना एग्जाम में कैलकुलेट, डोंट वेस्ट टाइम, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड देन वी रिज्यूम टुमारो, टुमारो कर ही लेते हैं क्लास, चलो ना क्या ही दिक्कत है, तुम लोग है CSN कॉलेज के बाद आ जाए, 4:30 रख लेंगे, देख लेते हैं, आई विल लेट यू ऑल नो। सबका अच्छा, हाँ नहीं, आई एम आस्किंग फॉर माई CS2 स्टूडेंट्स, कंपल्सरी नहीं है ना जाना, बेचारा, ठीक है इसको सॉल्व करो, लास्ट है, इन अ डुओपोली द प्रॉफिट पे ऑफ टू फर्म एक्स arising from the various strategies depends on the firm's wise payoff. So basically profit payoff se of kaun sa, kiske firm ka profit payoff hai, ye x ka profit payoff hai depending on y ka strategy. Which one of the following represents maximin, maximin ka matlab hota hai maximizing, minimum profit, मैक्सिमाइजिंग द मिनिमम प्रॉफिट, समझना ठीक है, मैक्सिमिन होता है, मैक्सी मैक्स होता है, ठीक है मिनी मैक्स होता है, तो ये सब स्ट्रेटेजीज होते हैं, ये आई थिंक पहले हमारे उसमें था CT6 में था, जो कि अभी CS2 में चला गया और CS2 से हट गया ये टॉपिक, नहीं ये क्योंकि थोड़ा सा है CB2 में, तो मैक्सिमिन यहाँ हम लोग को क्या दिया, प्रॉफिट पे ऑफ दिया है, तो आप निकालो सब में मिनिमम प्रॉफिट क्या आ रहे हैं, सब स्ट्रेटेजी में, मतलब अगर फर्म एक्स स्ट्रेटेजी 1 चूज करता है, अगर फर्म एक्स स्ट्रेटेजी 1 चूज करता है तो उसका मिनिमम प्रॉफिट क्या होगा, -10 -80 इस केस में बोलो 25 ये होगा। अब इन सब में मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ आ रहे हैं, तो स्ट्रेटेजी 3
मतलब मैक्सिमम, मतलब मिनिमम प्रॉफिट को हर स्ट्रेटेजी। अब सपोज मैंने बोला कि ना मेरा बिजनेस है बहुत बड़ा, 5 स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, 5 स्ट्रेटेजी में 5 अलग आउटकम आ रहे हैं प्रॉफिट्स के, ठीक है। अब उसमें मिनिमम मतलब वर्स्ट के सिनेरियो में आपने बेस्ट बनाया, बेस्ट इन वर्स्ट, समझ रहे हो। अब ये अगर लॉसेस दिए हुए होते तो आप क्या निकालते, सबसे मैक्सिमम लॉस कहाँ आ रहा है, वो उल्टा, ये प्रॉफिट्स है। अब लॉसेस होता है तो क्या करते, हर एक केस में मैक्सिमम लॉस कहाँ है और वो मैक्सिमम लॉस कहाँ मिनिमाइज हो रहा है। गॉट इट, उल्टा स्ट्रेटेजी अगर आता तो, इज इट क्लियर। मिनिमम प्रॉफिट्स निकालो हर स्ट्रेटेजी में, वो मिनिमम प्रॉफिट्स कहाँ मैक्सिमाइज हो रहे हैं, कौन से स्ट्रेटेजी में। अगर लॉसेस होता हर, मतलब इनको क्या करना है, वर्स्ट केस देखना है पहले, बेस्ट इन वर्स्ट, तो मैक्सिमम लॉस हर स्ट्रेटेजी में और वो मैक्सिमम में कौन सा मिनिमम लॉस है, दैट स्ट्रेटेजी आई विल अप्लाई इन माय फॉर्म, ठीक है। वी विल डू इट टिल हियर, टुमारो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन 13। बाय बाय।